हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में आम से बनने वाली एक बेहतरीन स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है मैंगो कलाकंद। ये बनने में बहुत ही आसान है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो आसानी से हमें घर पे ही मिल जाते हैं, सिर्फ आम हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अल्फेंजो आम लिए हैं। आप कोई भी आम ले सकते हैं जो घर में अवेलेबल हो। ये मैंने इसलिए लिए हैं कि इसमें लेने से हमको ऊपर से कोई भी फूड कलर नहीं मिलाना पड़ता, क्योंकि इसका खुद का कलर बहुत अच्छा आ जाता है बर्फ़ी में। और अगर आप कोई दूसरा मैंगो लेते हैं तो आपको ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर मिला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा, ना भी मिलाएंगे तो भी चल जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया, पीसेस कर लिए हम आम के। और पीसेस करने के बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो सारे घर में मिल जाते हैं, कुछ भी हमको बाहर नहीं लाना पड़ता। और बेसिक इंग्रेडिएंट हमको इसमें चाहिए पड़ता है मैंगो और दूध, जो कि ज़्यादातर सभी घरों में होता ही है। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा कट कर लिया है और अब इसको हम पीस लेंगे, इसकी फाइन प्योरी बना के रेडी करेंगे। एक जार में डाल दिया मैंने, और पानी ऊपर से बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ मैंगो को ही हमको पीसना है। सारे मैंगो मैंने डाल दिए और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस अल्फेंजो आम को लेने का पर्पज ही ये रहता है कि हमको ऊपर से कोई फूड कलर नहीं मिलाना पड़ता, बहुत अच्छा कलर आ जाता है कलाकंद में। और अब इसमें मैंने ये पनीर लिया है जो कि घर पे मैंने बनाया था। अगर आप चाहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत आसान होता है घर पे पनीर बनाना और बहुत फ्रेश बनता है। तो ये मैंने आधा पनीर लिया, ये करीब 250 ग्राम होगा, और इसको ग्रेट कर लेंगे। तो इसको मिलाने से, जो कलाकंद हम बना रहे हैं इसको मिलाने से क्या होता है कि कलाकंद बहुत ही दानेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया, और ये मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर रही हूँ, ना बड़े से ना फाइन से, बिल्कुल मीडियम साइज़ वाले से ग्रेट कर लेंगे हम। तो ये पूरा का पूरा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है। देखिए घर का पनीर होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये देखिए, 3 इंग्रेडिएंट हमको बेसिक चाहिए इसमें। ये पनीर क्रश कर लिया है मैंने, ये मैंगो प्यूरी, और साथ ही साथ में ये घर का मिल्क पाउडर जो मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और आई बटन में इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, और साथ में शक्कर। बस इतने इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। अब उसको बनाने के पहले एक हम पॉट रेडी कर लेते हैं जिसमें हमको जमाना है। तो उसको पहले अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया मैंने, घी को लगा लिया है चारों तरफ, और नीचे एक बटर पेपर रख दिया ताकि नीचे चिपके नहीं। वैसे तो नहीं चिपकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम बटर पेपर रख देंगे, और ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। और साथ में ये कुछ कटे हुए पिस्ता थे, इसको मैंने फैला लिया है। तो ये हमारा पॉट रेडी कर लेंगे पहले, जिसमें कि हमको बर्फ़ी को जमाना है। इसको एक तरफ रखेंगे। अब एक कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी है, इसमें मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसको हम चलाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत हाई फ्लेम पे हमको इसको कुक नहीं करना है। और फिर इसमें लगभग आधा कप मैंने दूध डाल दिया। दूध डालना ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिए अगर घर में है तो, बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है इस बर्फ़ी में। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा दूध डालेंगे तो उसको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा आपको, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कम दूध डालेंगे तो थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि मिल्क पाउडर तो हम लोग डाल ही रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अभी जब ये पतला है तो आप फ्लेम को मीडियम टू हाई भी रख सकते हैं, लेकिन चलाते रहना है। अब इसमें मैंने पूरा 1 कप भर के मिल्क पाउडर डाल दिया। तो ये घर का हमारा बिल्कुल प्योर मिल्क पाउडर है, बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी भी, ये मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। और अगर मिल्क पाउडर नहीं है तब आप दूध ज़्यादा डाल दीजिए और उसको रिड्यूस कर लीजिए। तो उसका मिल्क पाउडर का सब्स्टिट्यूट है कि आप दूध को लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर ले लीजिए, पहले दूध को रिड्यूस करिए, फिर उसमें मैंगो का पल्प मिलाइए। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है अब हमारा। अब इस स्टेज में हम इसमें शक्कर मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप शुगर ली है, और इतनी इसलिए ली है क्योंकि हमने जो घर पे मिल्क पाउडर बनाया था उसमें भी चीनी डाली थी, तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो मैंने 3/4 कप ली है। और अगर आपका जो मिल्क पाउडर है उसमें स्वीटनेस नहीं है तो आप चीनी ज़्यादा मिला सकते हैं।
तो अब शुगर को मेल्ट होने देंगे हम, और जैसे शुगर मेल्ट होगी इसमें हम ये ग्रेटेड पनीर मिला देंगे। तो ये इसलिए मिलाते हैं कि इससे बहुत ही बढ़िया दानेदार सा टेक्सचर आता है, जो बिल्कुल मार्केट के कलाकंद का होता है, और टेस्ट भी बहुत परफेक्ट आ जाता है इस पनीर को मिलाने से। तो ये पनीर को मिला दिया मैंने, और अब इसको भी फिर कुक करेंगे, पूरा गाढ़ा होने तक हमको इसको पकाना है। चलाते रहेंगे फ्लेम को, जब अगर कंटिन्यूस चला रहे हैं आप तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये काफ़ी फटाफट से होती है चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 मिनट या 5 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो गया। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ मैंगो का फ्लेवर रखना चाहते हैं तो इलायची पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए और थोड़ा सा मैंने इसको गाढ़ा किया, तो ये बिल्कुल डो के तरह हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और इस स्टेज तक हमको इसको कुक करना है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हो गया, और लास्ट में हमको थोड़ा सा 1/2 टीस्पून घी मिला देना है, जिससे कि ये जितना फैला हुआ है ये पूरा समेट के आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा समेट चुका है, अब इसको हम ठंडा होने के पहले ही इस पॉट में डाल देंगे। अभी ये ठंडा नहीं करना है इस मिक्सचर को, पहले इसको पॉट में डाल देना है, और इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला से फैला देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से फैला देंगे। तो इस स्पैचुला से मैंने इसको अच्छे तरीके से दबा दिया है, और बहुत बढ़िया सेट हो चुकी है इस पॉट में ये बर्फी। और अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 3-4 घंटे के लिए, जिससे कि और अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अब मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला लगभग 5-6 घंटे के बाद में, और ऊपर से क्लिंग फॉइल भी लगा दिया था ताकि ऊपर की लेयर इसकी कड़ी ना हो जाए फ्रिज में रखने से। और अब इसको साइड से नाइफ से हम इसके किनारे छुड़ा लेंगे, वैसे तो हमने घी की इसमें ग्रीसिंग की थी लेकिन फिर भी कहीं कहीं से चिपक जाती है। और अब इसको हम पलट लेंगे केयरफुली, मैंने पलटा, देखिए पलटते साथ ही ये नीचे गिर गया। तो यही होता है बटर पेपर लगाने से, बहुत आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है। बटर पेपर भी देखिए बहुत इजीली निकल गया, और ये हमारा मैंगो कलाकंद बनके रेडी हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, अब इसको सावधानी से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसके मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, आप इसका कोई भी पीस दे सकते हैं, चाहे डायमंड शेप में भी आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। ये हमारी मैंगो कलाकंद बनके रेडी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। और अब मैं इसमें से एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसमें दूध डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको शक्कर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ही दानेदार बनी है, बिल्कुल जैसे कलाकंद बनता है, सिर्फ वो दूध का रहता है, इसमें हमने मैंगो भी डाला है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।